क्या? अच्छा, व्हाट? पहले ही 5 मिनट में सदमा है। बहुत कम मौके मिलते हैं लाइफ में कि अच्छा से ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहने, एंड वन ऑफ द रीजन कि इनका शो इतना जबरदस्त ट्रेडिशनल वे कल्चरली जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा आज कुर्ता पैजामा टाइप्स पहन के आऊं। हां, हम भी सब ट्रेडिशनल कपड़े पहन के हैं। थोड़ा होना चाहिए ऑफ बीट, लेकिन महारानी सीजन 2 कमिंग अप, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले कुछ धमाकेदार करना है मेरे को, तो साहब विद योर परमिशन जी जी मैं कुछ देना चाहता हूं। पर वो सीएम तो ये है साहब, इसलिए तो साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। ब्याही औरतों को फूल देंगे तो चलेगा ना? आपको शर्म नहीं आता है? आपको शर्म आता है तो परमिशन ले रहे हैं आपसे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए परमिशन। जूते से मारेंगे हम आपको। नहीं, उन्होंने बोला था सीजन 1 में कि ये सब फूल नहीं देना चाहिए, तो हाँ। साहेब से पहले परमिशन लेंगे, और पूरे इंटरव्यू में आपको साहेब ही बोलने वाला हूं, बिकॉज इन्होंने सीजन 1 में बोला है साहेब ही बोलना है। हाँ, नहीं तो उनको डांट देती हैं। साहेब, साहेब कहिए ना। बट सो वंडरफुल टू सी यू गाइस विद सीजन 2। सबसे पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर सीजन 1। जब सीजन 1 आया, आई एम श्योर बहुत सारा था, हम सब चाहते हैं कि अच्छा ही काम किया तो अच्छा ही दिख के आना चाहिए, लेकिन जब रिलीज हुआ एक मन में टेंशन था, वो खत्म हुआ विद द गुड कॉम्प्लीमेंट्स अराउंड। सर पता नहीं यार, मुझे तो मैंने सीजन पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने तो मुझे लगता था कि हिट शो है, क्योंकि इतना आपको प्रॉमिस, मतलब आई थिंक आजकल वही चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। शो प्रिडिक्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचते हो कुछ और हो, मतलब लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, इस पे बेस है, उस पे बेस है, और शो कहीं और ले जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत मज़ेदार था कि ऐसा कुछ लिखना कि आप एक अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो और कहीं और ले जाता है। तो मेरे लिए ये था कि हाँ, ये शो हिट होने वाला है। तो जितनी, मतलब मैं शायद हमेशा कॉन्फिडेंट होता हूँ अपने कॉन्टेंट पर, तो मुझे तो लगा कि हाँ ये किया है तो ये हुआ है, मिला है। तो सेकंड शो में मतलब और ज़्यादा आपको इधर से उधर, उधर से इधर ले जाएंगे। और मैं तेरी प्रेस, ये सीरियस बातें कर रहे हैं, आदत नहीं है हमको। मैं तेरी प्रेस करूं, बाकी हुमा ने जो काम किया है, ओ माय गॉड, फर्स्ट में जो उन्होंने बिहारी एक्शन पकड़ा है। नहीं, लेकिन आपका सबसे पहले तो बर्थडे कैसा रहा ये बताइए। बहुत ही छोटा सा बर्थडे गिफ्ट, ये दोनों के वहां पे बहुत अच्छा था बर्थडे, मतलब अलग ही एनर्जी थी इसकी। लास्ट का कुछ याद से नहीं आ रहा मुझे। बहुत पार्टी। मैं अपने बर्थडे पे सबसे ज्यादा खुश मैं खुद ही रहती हूं कि माय बर्थडे, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माय बर्थडे। मुझे लगता है हम पूरे साल इतना काम करते हैं, मतलब कोई घर बार कुछ नहीं, काम है तो काम है। तो कुछ दिन होते हैं ऐसे जो आपके होते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसको स्पेंड करना चाहिए। तो आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट माय बर्थडे, सो वी हैड टू मच फन। व्हाट लवली टाइम आपका बर्थडे के बाद प्रमोट कर रही है सीजन 2। जी, बट लेट्स टॉक अबाउट सीजन 1। इतना अप्रिसिएशन मिला आपको सबको, आई थिंक एवरी कैरेक्टर इतना ब्यूटीफुली लिखा है, जो ग्राफ है कैरेक्टर्स का, आपको क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिले थे जब 1 रिलीज हुआ? यही कि बिकॉज आई थिंक वी वर अंडरडॉग्स, तो किसी को शायद भरोसा नहीं था हमारे ऊपर कि कुछ बना लेंगे, वैसा वाला था। बट आई थिंक दिस शो जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर, एंड इवन सोनी लिव एज अ प्लेटफॉर्म, यू नो, वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट। आई मीन स्कैम को कुछ ही आई थिंक महीने हुए थे, इट वाज जस्ट अबाउट पिकिंग अप बाय वर्ड ऑफ माउथ, इट वाज ग्रोइंग। बट टुडे ऑफ कोर्स यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री, एंड दे आर डूइंग सच अमेजिंग कंटेंट। तो एंड आई थिंक महारानी ऑल्सो, आई थिंक वो जर्नी कहीं हमारी कोइंसाइड हुई, और जो प्यार हमको मिला वाज अ बिट लाइक लाइक आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी द स्टोरी जस्ट बिफोर दिस, कि मतलब थर्सडे रात को एक्सक्लूसिव कंटेंट जी, मैं किसी दोस्त को बता रही थी कि थर्सडे को शो रिलीज हुआ, मैंने रात को एपिसोड देखे, एंड आई वेटेड टिल संडे, एंड माय ब्रदर जस्ट केम इनटू माय रूम, एंड ही वाज लाइक, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपके शो को, एंड ही हैड नॉट सीन द शो। तो मैंने कहा मुझे तो अच्छा ही मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? ही सेड मुझे इतने सारे लोगों का मैसेज, 25 लोगों का मैसेज आ गया कि प्लीज टेल योर सिस्टर her show is so good and we absolutely love it, we don't have a number. So like mujhe to acha hi lag raha tha, but I wanted you to see it. So I think the response for everybody, for all of us, has been quite phenomenal. But season 1 itna fresh hai, every character sir aapka bhi itna abhi bhi fresh hai ki aisa wait kar rahe hain season 2 kab aayega. Aapko kya bol rahe the log jab 1 dekh ke? Pata nahi in logo ko kaise tareef vareef kar rahe the, mujhe to, meri to bilkul nahi kar rahe. What rubbish, my mother has called him, she said he was so good. To bilkul, अरे यार अच्छा ही हुआ, और क्या मतलब? नहीं मतलब एक ऐसा कमेंट जो आपको आंसर तुम्हें पता है, तो याद रहा हो कि बहुत अच्छे से किसी ने कमेंट कर दिया और आपके दिल में बैठ गया कि यार ये अच्छा कमेंट आया मेरे काम के लिए? नहीं नहीं, सभी अच्छे कमेंट थे और बहुत ही वेल अप्रिशिएटेड शो था, और ये अच्छी बात है, ये आपसे पता चल रहा है मुझे कि अभी भी फ्रेश है, तो अच्छा है कि जल्दी रिलीज हो गया, ये भी फ्रेश ही रहे वो।
और सीजन 3 का क्या चल रहा है? सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अभी तक, जब तक माल ना आए। सीजन 1 इतना फ्रेश है, जैसे बाहुबली में था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ये था कि इन्होंने इनको जेल क्यों भेजा। करेक्ट, नो बट एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल हैड अ प्रॉब्लम विद दिस। मेरे एक जानकार है दिल्ली से, he works in the government, so he's like, आपका शो बहुत आपको अच्छा लगा ये वो, मगर ये जो महिला है ये अपने हस्बैंड को जेल नहीं भेजेगी। मैंने कहा अभी आप देखो सर सीजन 2 में क्या क्या होने वाला है, फिर तो आप बोलोगे ये तो बकवास है, ये कैसे हो सकता है। बट आई थिंक when you start loving characters and I think so you become possessive about them. तो वो कुछ भी करते हैं ना, वो आप possessive हो जाते हो। Like in season 2 also there were so many times all of us would discuss कि यार दबीन ऐसे करेगा, भीमा ऐसा करेगा, रानी ऐसा सोचेगी, because I feel कहीं ना कहीं of course it's our creativity and it's our vision for the character, but लोगों का emotion जुड़ चुका है उस character के साथ। तो you know will रानी do something so wrong? Or will Bhima become so corrupt? Or will Naveen become a nice guy? Like, I don't know. People somewhere become very possessive about the character. I was a nice guy in season 1. You are a nice guy. This season, I don't know. आपके लिए कुछ जुड़ा ऐसा कुछ आंदोलन बना यार, इनको सीएम बना दो यार, अब तो बना दो इनको सीएम, 17 साल से परिश्रम कर रहे हैं। नहीं इनको नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। क्योंकि ऐसा कैरेक्टर जैसे हुमा बता रही ना, लोग पजेसिव हो जाते हैं। तो आपके लिए भी कुछ आया होगा कोई? तो आई थिंक सब लोग नवीन से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाथ को आया मुंह न लगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे लोगों का इमोशन है कि यार ये हमारे साथ भी हो रखा है। नवीन देखो मेहनती आदमी है, बन जाएगा सीएम कभी जब करना हो उसको, बन जाएगा किसी ना किसी सीजन में तो बन जाएगा। तब तक आप ये गुलाब रखिए, देखो लव्ड। लेकिन जब सीजन 1 आ जाता है, सीजन 2 जब आने की तैयारी रहती है, और पिछले कुछ 2-3 साल में इतना अच्छे अच्छे सीजन 1 बने हैं, लोगों ने अप्रिशिएट किया, बिकॉज हर सीजन 1 जब आता है अंडरडॉग रहता है, लोगों को पता नहीं है क्या एक्सपेक्ट करने वाले होते हैं, और सीजन 2 में प्रेशर आ जाता है। क्या आप प्रेशर फील कर रहे हैं अभी आप तीनों? मैं तो इन सब बातों में बिल्कुल भी मतलब देखता नहीं ना समझता हूँ इन सब बातों। ये प्रेशर फील होना चाहिए प्रोड्यूसर को, राइटर को, शो रनर को। मुझे एक्टिंग करनी है यार वहाँ जाके, आप जो भी लिख दोगे मैं अच्छी एक्टिंग करूँगा वहाँ पे जाके। ओह वाओ, दिल से करूँगा। मैं बहुत अच्छा एक्टर, मैं ये सब प्रेशर नहीं लेता मैं। अच्छा, बिल्कुल भी। वैसे प्रेशर देता लोगों को। क्योंकि कुछ कुछ सीजन 2 इतना मतलब लोगों का था कि ऐसा कंपेयर कर लेंगे, सीजन 1 बेटर था सीजन 2, ये कंपैरिजंस आने वाले, क्या आप रेडी हैं उसके लिए? सर देखिए अब क्या है, अब तो बन चुका। अब प्रेशर लेने से कुछ होने नहीं वाला, तो जो आने भी वाला आ जाए, जो खिचड़ी पकानी थी हमने पका ली, अब तो वो आई थिंक ऑडियंसेस के ऊपर है। ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि लोग उसे पसंद करें, और हमारा भी ये मानना है कि हमने जो हमारी कैपेबिलिटी थी हमने बेस्ट किया है। अब आगे यू नो दिस शो इज नॉट जस्ट आवर्स, इट्स एवरीबॉडीज, सो आई थिंक इट्स अप टू देम। सर आप कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं? मतलब मैं तो बिल्कुल प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ कि कब शो बाहर आए जी। मतलब मुझे लगता है कि जैसे आपने करेक्टली कहा कि पहला शो अंडरडॉग होता है, पर दूसरे सीजन की राइटिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि इतना सब कुछ हो रहा है इस सीजन में, तो लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ कि कब आए बाहर, लोग देखें और बताएं कैसा लगा। तो ये सीजन 1 के बाद सीजन 2 शूट हुआ है कि कंटिन्यूटी में? नहीं नहीं, बाद में हुआ है, बाद में हुआ है। सीजन 1 पहले हमने देखा कि भाई चल गया ना, अभी दूसरा बनाते हैं। अच्छा पसंद आया? ये इंटरव्यू जो आप कर रहे हो ना सीजन 2 के, हम लोग पहले कर चुके थे सीजन 1। करेक्ट करेक्ट। नहीं फिर ऐसे नोट पैड पे लिखा गया, अच्छा ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये इतना अच्छा, इसको निकाल दो इसको। फिर उसके बाद आई थिंक निकाले हम लोगों ने कुछ लोग। लेकिन सर पहले तो आपको पूछना चाहता हूँ, जो आपका स्वैग है ना कैरेक्टर को लेकर, और आपका भी ये वापस हर सीन में वो स्वैग लाना, हर डायलॉग में स्वैग लाना, और सीजन 2 में वापस कितने इंटरवल के बाद शूट हुआ है पहले तो ये जानना चाहूंगा। एक साल, तो वो स्वैग वापस क्रिएट करना अपने कैरेक्टर में, थोड़ा वापस आपको भी सीजन 1 देखना पड़ा कि मैंने क्या किया था। नहीं नहीं यार, मैं तो मतलब देखता ही नहीं अपना काम, बट पॉइंट दिल टूट गया। आई थिंक क्या होता है सीजन 1 में हम लोग इतना इन्वॉल्व थे और पाने की कोशिश कर रहे थे अपने अपने कैरेक्टर को, तो जब आप सीजन 2 में जाते हो किसी भी शो में, मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स तो आप पा चुके होते हो ना, अब है कि उसका इवॉल्वमेंट क्या है कैरेक्टर का, आप और क्या कर सकते हो उसके अंदर, यू नो। तो वो तो स्वैग कैसे मेंटेन कर रहा है? मैं आपका बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, हर सीन मेरे को आप दोनों का याद है, जिस हिसाब से आप दोनों ने स्वैग रखा है हर डायलॉग देने में, स्पेशली असेंबली में जो स्पीच दिया आपका, वो स्वैग रखा है आप लोग ने। तो एक तो इसका कंपोनेंट है पैसा, ऑनेस्ट आंसर। दूसरा है कि हम लोग अच्छे एक्टर हैं भाई जी। तीसरा वेल रिटन शो जी। चौथा कि ऑडियंस का एक प्यार है, ठीक है ना, वो अपने आप ला देता स्वैग।
नहीं, जब मुन्ना भाई की पार्ट टू चल रही थी तो अर्शद वारसी ने बताया था कि उनको वापस थोड़ा रीविजिट करना पड़ा, देखना पड़ा टू मेक श्योर कि वो वापस ढांचे में घुस जाए। वो आई थिंक 4 साल के बाद बनी थी। जी नहीं, बट आपको ऐसा हमारा एक ही में बन गया, फ्रेश है। कुछ ऐसा था नहीं क्योंकि एक साल के उस पर शूट हुई थी। और जैसा अमित ने करेक्टली कहा, जो भी स्वैग है वो हमारे एक्टर का स्वैग नहीं है, वो राइटर का कमाल है। मुझे लगता है राइटर टॉप पे होता है, उन्होंने लिखे ऐसे डायलॉग्स कि लार्जर देन लाइफ, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोचना है, मुझे लगता है राइटर का काम है। जो हमने तो आते मतलब कभी हवेली पे तो देखते हैं हमारा स्वैग कितनी डांट पड़ती है, मतलब बड़ा स्वैग तेरा। हां कि डांट पड़ती थी हमें कि ये सीन क्यों ठीक से नहीं कर रहे, बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो। लाइक हम एक सीन कर रहे थे, मैं और हुमा, एक होली का सीन था, तो सुभाष सर जोर से चिल्लाए, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, ढंग से नहीं कर सकते, ठीक ठाक से एक्टर हो तुम लोग, ठीक ठाक से ही हो, ज्यादा अच्छे नहीं हो। तो ये स्वैग सब निकल जाता है सेट पर, वो आपको दिखता है स्वैग। जी जी, आपका कैरेक्टर सीजन 1 में धीरे 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 पावरफुल हो रहा, बर्स्ट होने वाला है विद लॉट ऑफ पावर। तो आप जब सीजन 2 शूट करना शुरू किए थे, क्या एक्सपेक्टेशन से आप घुसे थे कि यार मजा आने वाला है? यार मैं तो सीजन 2 में टू बी ऑनेस्ट घुसी थी विद फटीग। अच्छा, बिकॉज मैं अभी, हाँ बिकॉज मैं एक पिक्चर अभी मतलब खत्म ही की थी, एंड आई डिडंट इवन हैव 1 वीक ऑफ प्रेप फॉर सीजन 2। और मैं चाहती थी एक्चुअली थोड़ा पुश हो जाए हमारी शूटिंग, क्योंकि मैं एक फिल्म शूट कर रही थी डबल एक्सल, और मैंने मतलब लंदन पे शूटिंग उसकी खत्म की, मैं इंडिया आई, एंड आई डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ प्रेप, क्योंकि हमने सीजन 1 में काफी प्रेप किया था, वर्कशॉप्स की थी, रीडिंग्स की थी, और इस बार भी हुई, बट आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, एंड आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज आई वॉज लाइक, एक तो इतना लव्ड कैरेक्टर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, वापस करने का मौका मिल रहा है, तो आई डिड नॉट गेट टाइम विद द मटीरियल फॉर जितना मैं चाहती थी। और सीधा हम पहुंच गए मतलब ठंड में, मतलब बुरी ठंड में भोपाल में, सुबह 4 बजे उठो, 5 पे डायलॉग याद करो, तो आई वॉज वेरी लाइक जिटरी, नर्वस। एंड सुभाष सर इज अ परफेक्शनिस्ट, एंड वी, विच इज़ वाई ऑल ऑफ अस लव वर्किंग विथ हिम, बिकॉज आई थिंक वो, एक तो हम लोग अच्छे एक्टर्स हैं, अपना काम शिद्दत से करते हैं, मेहनती हैं, सब कुछ है, बट वेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर, वेन यू वर्क विद अ क्रिएटर, शो रनर हु पुशेज यू टू गो इवन बियॉन्ड योर बेस्ट, आई थिंक उस पर मजा आता है, यू नो, उस पर कुछ मैजिक क्रिएट होता है। तो आई थिंक विच इज़ वाई ऑल ऑफ अस लव वर्किंग विथ हिम, एंड यू नो आई थिंक विच इज़ वाई द शो इज टर्न आउट द वे इट हैज़। तो मैं थोड़ा नर्वस थी, एंड समय नहीं लगा मुझे टू बिकम रानी भारती, बट आई वुड हैव लाइक्ड अ लिटिल मोर प्रेप, बट दैट्स माय पर्सनल प्रोसेस। बट कभी कभी ऐसा फील होता है कि सीजन 1 में हमने इतना, मतलब मैं इतना खुश हो रहा था, अच्छा ये आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है, सीजन 2 में अब ऑल क्या, मतलब पूरी कहानी चेंज होने वाली है। सीजन 2 देखो आप क्या क्या होने वाला है, मैं आप, आई कैन टेल यू दिस मच विदाउट एनी स्पॉयलर्स, आप एपिसोड 1 लगाओगे जी, 5 मिनट में आ जाओगे, किया अच्छा, What? पहले ही डोंट मिस सदमा है, डोंट मिस द बिगनिंग, सदमा नहीं है, बॉम्ब है, बॉम्ब, 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 पाप से धरती फटी फटी, ऐसा मोमेंट है वो। जस्ट एज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है हाउ गुड टाइम इट इज कि यहाँ पर परफॉर्मेंसेस की अप्रिसिएशन की जा रही है, एवरी डे कोई शो आ जाता है, अप्रिसिएशन पोस्ट बन जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म ने तो अपना ट्विटर पे बायो चेंज कर दिया था उस शो के नाम पर, so performances is bahut tarif ho rahi hai, how good time it is for you guys as an actors? brilliant, best time, bahut hi acha time hai, dukan chal rahi hai, aadmi roz shutter utha sakta hai jaake, roz sham ko girata hai usko, aur kya chahiye life mein yaar, har cheez ko aisa crash bana dete hai yaar, sir best paisa hi hai, this is the best time I guess, neend achhi aati hai yaar jaake ghar pe, na technicians ko kaam mil raha hai aur nayi audience bhi aa rahi hai, matlab mujhe lagta hai OTT ki wajah se ki log jinhone film mein dekhna kahin band kar diya tha wo bahut easy ho gaya phone pe dekhna, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दिस इंडस्ट्री फॉर यू हुमा, फीमेल कैरेक्टर्स इतने जबरदस्त लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल नाइसली डन, मोर पावर दिया जा रहा है उनको। यार मैंने ना 2-3 साल पहले एक शो किया था, मेरा पहला शो था लैला फॉर OTT, एंड मुझे अभी भी याद है उस टाइम सबने मुझे बहुत डराया था कि डोंट डू दिस, OTT मत करो, लोगों को लगा तुम्हारे पास पिक्चरें नहीं है, वाई आर यू डूइंग दिस, है ना, लोग ऐसी बातें करते थे, एंड आई वाज लाइक नहीं यार, आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टफ, और लोग वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई वाज द फर्स्ट गर्ल आई थिंक हु वाज हेडलाइनिंग अ शो बैक देन, सो टुडे यू नो व्हेन आई सी सो मेनी शोज गेटिंग मेड, अ लॉट ऑफ वुमेन डूइंग एंड हेडलाइनिंग दोस शोज, फिल्म्स एंड देम डूइंग दैट, आई फील वेरी प्राउड कि यार चलो वी हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम, वी हैव क्रिएटेड अ स्पेस जहाँ पे ऐसे शोज, ऐसी कहानियाँ बन सकती हैं और एक्सेप्टेबल हैं, यू नो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑफकोर्स एंड नॉट जस्ट फॉर वुमेन, आई थिंक फॉर मेल एक्टर्स ऑल्सो, वी हैड सो मेनी ब्रेकआउट स्टार्स इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, यू नो, हु हैव बीन ग्रेट एक्टर्स, बट उनको प्लेटफॉर्म या चांस नहीं मिल रहा था टू शोकेस व्हाट दे हैव, एंड टुडे ऑल ऑफ देम आर सो बिजी कि उनके डेटे अवेलेबल नहीं है, एंड इवन टेक्नीशियंस यार, इवन टेक्नीशियंस यार, डायरेक्टर्स या राइटर्स, सो मेनी पीपल, मटेरियल गुल्लक जैसा, तो फिल्म नहीं बन सकती, पर वो शो ही बन सकता है।
लाइक इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि आप कितना भी गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, कितना भी फ्लीबैक देख लो, पर आपको रिलेट कर पाते हो कि हाँ हमारे घर में भी सीडी मिलती थी, पैसे नहीं हुआ करते थे. वो फिल्म का मटेरियल नहीं है, मतलब ये भी एक हुआ है ना कि कुछ मटेरियल जो है शो के लिए ही बेटर है, तो ये उसको भी नहीं एक ऑडियंस मिली है. ये बहुत टू वे है कि इधर हम लोगों को काम मिल रहा है, उधर ऑडियंस को देखने के लिए कुछ नई चीजें मिल रही है. और आप एज एन एक्टर चूज कर सकते हो, आप थिएट्रिकल फिल्म कर सकते हो, आप शो कर सकते हो, आप फिल्म कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो. मोर एवेन्यूज टू एक्सप्लोर. 100% एंड आई फील आल्सो वी आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग नो एज आर्टिस्ट कि अच्छा कुछ कहानियां हैं जो शायद थिएटर में मजा आएगा, कुछ कहानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मगर सीरीज या लॉन्ग फॉर्म में मजा आएगा. एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू बोथ. और बहुत सारी नई कहानियां आपको मतलब सुनने का मौका मिल रहा है. नहीं तो थिएटर में आपका एक प्रॉब्लम है कि आपको बहुत मासेस के लिए बनाना है, तो उसका एक कहीं ना कहीं फॉर्मूला है. इसमें आप बहुत कुछ खेल सकते हो, बहुत नए कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ हुआ भी है. मतलब ओटीटी की वजह से गुल्लक जैसा स्कोप हैज एक्सपेंडेड. ऑल्सो मैं एक जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, मैं देखता हूँ हाईवे पे होर्डिंग्स लगे होते हैं और सिर्फ ओटीटी के होर्डिंग्स लगते रहते हैं और सबके पास पैसे हैं और किसी के पास पैसे नहीं. बट इतना वंडरफुल टाइम है कि ये भी मेन स्ट्रीम, ये ओटीटी भी अब बन रहा है लाइफ में. तो मेरा सवाल ये कि आपका फर्स्ट होर्डिंग कौन सा था जो आपने खुद को होर्डिंग में देखा था फर्स्ट इन लाइफ? गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2. अच्छा, पार्ट 1 में तो मतलब मैं कहां देखा था और व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर शूट कर ली थी और उसके बाद मैं एक फिल्म करी थी डी डे. अच्छा, तो निखिल अडवाणी के साथ में वो फिल्म करी थी, तो मैं उनके ऑफिस गई थी. पार्ट 1 रिलीज हो गई एंड पार्ट 1 में मेरा मतलब दो सीन थे और यू नो एंड बट I signed a few other films after that. So, and मुझे आइडिया नहीं था कि पार्ट टू की हीरोइन मैं हूँ. अच्छा, मतलब बिकॉज हमने वो फिल्म ऐसे हीरो हीरोइन टाइप बनाई नहीं ना, मतलब वी वर जस्ट अ बंच ऑफ फ्रेंड्स इन एन एनसेंबल फिल्म मेकिंग दैट फिल्म टुगेदर. उनने मुझे कुछ छूट वूट भी करा लिया नवाज के साथ, मुझे समझ नहीं आया कि क्या है मतलब, बिकॉज नोबडी टॉट मी कि ये पोस्टर शूट है, इसके होर्डिंग लगेंगे. हाँ बेटा शूट करना है, ओके ठीक है शूट कर लिया, घर चले गए. मतलब लिटरली आई हैड नो आइडिया एंड आई वेंट फॉर अ रीडिंग टू निखिल अडवाणीज ऑफिस एंड आई वॉज कमिंग बैक और वो बांध का रास्ता है ना, वो टर्न मारते वहां पे एक बड़ा सा एक होर्डिंग था. सो आई सॉ मी एंड नवाज, सो आई वाज लाइक अरे ये तो मैं हूं, लाइक व्हाट, अरे गाड़ी रोको. सो आई हैव स्टॉप्ड एंड आई ट्राइड टू टेक अ पिक्चर एंड आई हैव कॉल्ड माय ब्रदर एंड आई हैव कॉल्ड माय पेरेंट्स बिकॉज़ आई जस्ट कुडंट बिलीव इट वाज मी. एंड देन आई वाज लाइक वेयर हीरोइनो पिक्चर की, मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, धोखा. अमित सर आपके लिए फर्स्ट टाइम होर्डिंग? यार मुझे याद सा नहीं आ रहा क्या था, लेकिन ये लग भी इतने सारे चुके हैं ना यार. यार मुझे ना जो इनिशियली पॉपुलैरिटी जो मिला ऑब्वियसली ओटीटी से मिला, ठीक है ना, उससे पहले तो होर्डिंग में चांस ही नहीं था कहीं. बट मैंने एक फिल्म करी थी रेड, उसमें था मैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के अपने आप को कि मैं हूँ होर्डिंग में. उसके बाद फिर आदत सी हुई टाइप्स. यू आर अबव ऑल दिस ना? मुझे मतलब इतना जो एक्साइटमेंट, पहली फिल्म थी जो लोगों को पता भी नहीं है, बाबर करके मैंने एक फिल्म की थी जो मेरी पहली फिल्म थी और उसका पोस्टर डिजाइन भी इतना गंदा किया था कि सब कुछ ब्लैक ही था, दिखता भी नहीं था मतलब. तो वो मेरा पोस्टर लगा था जूहू पे जिसमें समझ में भी नहीं आता था कि ये मेरी शक्ल है, पर मैं उसको भी देख के खुश हो रहा था, मेरा पोस्टर लगा यार जूहू पे. जूहू जो जाते हैं ना एस एन डी पी, वो जूहू जो एरिया है, तो वो मेरा पहली याद थी, पर यादगार थी यार. Wonderful. And I'm sure बहुत सारे होर्डिंग्स लगने वाले हैं. जाते जाते I just want to talk about all of your Instagram bios. मेरे को सबका अच्छा लगता है. Starting with you, family, food, films in that order. Yeah. ये क्यों था Instagram bio आपकी? मतलब I think family सबसे पहली priority होती है और second मैं foodie हूँ बहुत ज़्यादा. अच्छा. मैं खाने पीने का बहुत शौकीन. Give me top 5 favorite place in Mumbai. यार तीन दे दीजिए. एक तो अमर जूस. अरे पाव भाजी. और एक हकासान चाइनीज. अरे वाह. और एक मुझे चिंचिंग चूंगा चाइनीज बहुत पसंद. मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगता मतलब है. वो मस्त, वो जो ओपन बाउल एक तो पता है. हाँ, और उनके वो जो क्या शेजवान सॉस होती है ना, वो क्या मस्त है, मतलब स्वीट एंड टैंगी है थोड़ा उनका, मस्त है. योर इंस्टा बायो इज लवली पार्ट टाइम ड्रीमर. ये व्हाट डज दिस मीन पार्ट टाइम ड्रीमर? पता नहीं, मेरी अपनी स्टोरी चलती रहती है दिमाग में जो शायद रियलिटी होती नहीं है. बट कभी एक ड्रीम था ऐसा, जैसे मेरा एक बचपन में ड्रीम था कि कभी तो मुझे असेंबली विजिट करना. असेंबली में बहुत सारे सीन शूट हुए. क्या फीलिंग होती है असेंबली में जाते, इवन दो इट्स मे बी अ सेट? नो नो, मतलब हमें लगता था असेंबली, हमें लगता था कितने बड़े-बड़े सीन करेंगे कैसे. यू आर एक्चुअली क्वाइट स्कैर्ड. और मुझे अभी भी याद है फर्स्ट डे हम जब वहां पे गए थे, इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग बिकॉज इट वाज अ रियल असेंबली एंड वी वर वेरी रियल पीपल सिटिंग इन द ऑडियंस. व्हाट मतलब एक्चुअल पीपल, नॉट लाइक रियल पॉलिटिशियंस बट लाइक लोकल, मतलब क्राउड ओवर देयर, सो दे वर एक्चुअली लुकिंग एट अस. सो यू आर लाइक आई एम बहुत बिजी होने वाली. या यस यस, सो वी वर लाइक बहुत बिजी होने वाली बट इट वाज क्वाइट सरियल.
क्वाइट सरियल, वेरी लाइक इंटिमिडेटिंग, बिकॉज आपको लगता है यार यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस हुए होंगे, बातें हुई होंगी, वी आर एक्चुअली सिटिंग ऑन दोज सीट्स एंड टॉकिंग फ्रॉम दोज पोडियम, सो इट्स लाइक अ आई नो different feeling. कभी एक अलग feeling आती है जब shoot ही कर रहे लेकिन लाल बत्ती में घूम रहे, police protection, क्या ये क्या अलग, मतलब उतरते ही swag आता होगा इसमें तो. पक्का ही आता है, मतलब मुझे तो बहुत आता है कि सब साहेब साहेब कह रहे हैं, मतलब कोई साहेब की बिना बात नहीं कर रहे हैं. मैंने बीवी सबको डांट देती कि साहेब का होना और इससे ज्यादा swag क्या होगा कि मतलब आप चीफ मिनिस्टर हो और क्या होगा. हाँ मतलब only when I wear the sari and I put the sindoor I become बहुत ही बोरिंग है, कुछ अच्छा नहीं है. मैं बताता हूँ क्या, मुझे तो याद भी नहीं क्या थिएटर करता था, फिर मैंने पहले लिखा हुआ था भाई दिस एंड दैट. अच्छा, फिर मेरे एक मित्र हैं रणदीप हुड्डा जी, उन्होंने वो पढ़ा, उन्होंने कहा ये क्या बकवास लिखा हुआ है, लिखना अपने बारे में कुछ क्या करता है तू. तो फिर मैंने बहुत ही बोरिंग सा कुछ तो लिख दिया मैंने, मुझे तो याद भी नहीं. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग. 25th ऑगस्ट महारानी सीजन 2 सोनी लिव पर आने वाला है. आई एम श्योर यू गाइस गोना एंजॉय इट.